नमूना को नहीं राजनीति आरंभ हैला आप रो ब्लेम पॉलिटिक्स दिल्ली रे बन्या हैला एथिपई दाई की दिल्ली सरकार को अपारगता ना हरियाणा सरकार ना बीजेपी दल जमुना नदी उछुली लालकिलारो राजघाट आईटीओ रो कश्मीर गेट रास्ता घाट घर द्वार सब स्थान को पहुंची गला 40 वर्ष रे दिल्लीवासी एभली बन्या देखि नथिले तोलिया अंचल रे रहुतिबा खटिखियार घर उजुड़ी गला जीवन जाकर परिश्रम बन्या जल भसाई नेला स्कूल बंद हेला रास्ता घाट रे पानी जमिला जमुनार जलस्तर जेमिति रेकर्ड भांगुथिला दिल्लीवासी को दुख सेमिति द्विगणित होथिला हेले दसंदी दसंदी धरी एमिति बन्या देखि नथिबा दिल्ली रे काही कि हेला बन्या एथि पई दाई कि दिल्ली बन्या प्राकृतिक नुहे बीजेपी प्रायोजित विपर्य बोली सीधासलक अभियोग करिछि आम आदमी पार्टी हरियाणार हथनीकुंड ब्यारेज रु अधिक जल छाड़ी दिल्ली को बुड़ाइबा को षड़यंत्र करा जाइथिला हथनीकुंड ब्यारेज रु अधिक जल केवल दिल्ली को छड़ा जाइथिला ब्यारेज रु अधिक जल हरियाणार पश्चिम केनाल एवं उत्तर प्रदेश रो पूर्व केनाल को छड़ा जाय नथिला बोली कहिछन्ति आप रो नेता माने यार कड़ा जवाब देछि बीजेपी बीजेपी सांसद गौतम गंभीर कहिछन्ति आप सरकार 9 वर्ष मध्ये रे दिल्ली रो भित्तिभूमि सुधारिबा पई किछि करिनि केवल केंद्र को दोष देवा सिखिछन्ति दिल्ली सरकार पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिश रच के दिल्ली को बाढ़ में झोंका है। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया, हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में जिनके घरों में पानी गया। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी होते हुए दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था इतने निम्न स्तर पर कैसे बनिया को नहीं दिल्लीवासी मनरे सृष्टि होता आक्रोश को प्रशमित करने को बीजेपी उपरे दोष लदुची कि आम आदमी पार्टी दिल्ली बीजेपी सभापति वीरेंद्र सचदेव कहते जे यह आप सरकार दायित्वहीनतार तो परिणाम कितु अन्य राज्य सरकार को दायी कोविड-19 समय आप समान कम कर जब उनको अंदाजा था कि आपदा आने वाली है, अगर वो गैराज हरियाणा सरकार देख रही है तो पहले से जानकारी देनी चाहिए थी, उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। जब बाढ़ सर पर आ गई, घरों में घुस गई, तब अरविंद केजरीवाल को याद आया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल का स्वभाव है झूठ बोलना और वो हर बार झूठ ही बोलेंगे। निज त्रुटि समीक्षा नौकरी याता ऊपर दोष लदी निज को पीड़ित देखाइबार प्रयास भी बोधे नुआ राजनीति नहले एबे दिल्लीवासी को कथा न बुझी बन्या को नहीं राजनीति करबा केते दूर ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।